नहीं किया है। हाल ही में जो फर्स्ट लॉकडाउन था, जेके बैंक ने एक स्कीम निकाली थी, जो स्कीम तो मार्केट में आ गई, पेपर में आ गई, मगर इंप्लीमेंट नहीं हुई, बैंकों में इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है। हम उस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ट्रैवल ट्रेड का ख्याल रख लीजिए, ट्रैवल ट्रेड को भी फैसिलिटेट कर दीजिए, इनके भी मुलाजिम हैं, इनके भी खर्चा आता है, इनके भी इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं है कि पेन और ये है, इनके भी इन्वेस्टमेंट है, इनका भी ख्याल रख लीजिए, और इनके लिए एक सॉफ्ट लोन का स्कीम अनाउंस कर दिया जाए। दूसरी बात यह है जो RBI के गवर्नर ने हाल ही में जो 15,000 करोड़ का जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज का एक लिक्विडिटी का ऐलान किया है, हम उसकी बहुत दिल के अहम के हंग से उसकी वेलकम करते हैं, और साथ साथ में हम उनसे अपील, फाइनेंस मिनिस्टर LG साहब से अपील करते हैं कि इसमें जो बैंकों को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो स्पेशली जम्मू कश्मीर के ट्रैवल ट्रेड को इसमें फैसिलिटेट करें, ताकि जम्मू कश्मीर के ट्रैवल ट्रेड को भी इसमें फैसिलिटेट किया जाए। और साथ साथ में हम, ये हमारी मांग है, ये हमारी मुतालबात है, और साथ साथ में हम जनाब अरुण मेहता साहब को भी मुबारकबाद करते हैं, उन्होंने नया चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभाला है, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह, फाइनेंस सेक्रेटरी रह, रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है। दूसरे हमारे मुतालबा लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि जो टूरिज्म पॉलिसी है, उस टूरिज्म पॉलिसी में ट्रैवल ट्रेड को यूनिट इनकॉर्पोरेट किया जाए, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ट्रैवल ट्रेड ही एक बेसिक प्रमोटर है, बेसिक टूरिस्ट लाने वाला वही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए इस टूरिज्म, नई टूरिज्म पॉलिसी में। और उसमें हमारी ये भी गुजारिश है सेक्रेटरी टूरिज्म से और डायरेक्टर टूरिज्म से कि वो हमारी इस को इस रिकमेंड किया जाए, ताकि हमको भी टूरिज्म पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए। थैंक यू मैम। बाकी जो सवाल आते हैं चेयरमैन साहब उनके जवाब दें।